कहते हैं मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह जी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज यह हमारा सौभाग्य है कि जब चार विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो डिजिटल के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उससे निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है और एक नहीं अनेकों चुनाव को पहुंचाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मित्रों, यह जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इसीलिए चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हो, वो सबको अगर विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपको ये भी कहना चाहता हूं, अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है
तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है। और यह चुनाव के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो, मोदी जी है तो, ये स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। मित्रों, यह चुनाव एक और बात का संदेश देते हैं, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये जिस तरीके से इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और देश ने विकास को आगे रख करके इन चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आज ये इंडी अलायंस, इनको नया नया शौक, नया नया जोश, नया नया नारा, ओबीसी 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 की चिंता नहीं। ये नए नए लोग, ये इंडी अलायंस के लोग, ये कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाकर ओबीसी का नारा लगाते हैं, ये भूल जाते हैं कि देश को ओबीसी का प्रधानमंत्री मोदी जी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी के प्रधानमंत्री रहे हैं। और सबके समाज का, सबका विकास करने का प्रण लेकर, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से इस चुनाव में भद्दी टिप्पणियां की, जो नहीं सिर्फ असंसदीय थी, नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ही निम्न स्तर की थी, ऐसी टिप्पणी की कांग्रेस के नेताओं ने, जिसको सार्वजनिक मंच से दोहराना भी मुश्किल होता है, ऐसी भद्दी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर की, क्या उस समय उनको ध्यान में नहीं था कि ये मोदी जी को गाली देने का मतलब ओबीसी को गाली देना है, पिछड़ी जाति को गाली देना है, ये उस समय उनके ध्यान में नहीं था क्या? और एक और नेता पैदा हुए, मैं ना माफी मांगू, यानी रस्सी जल गई, बल नहीं गया है, बल नहीं गया। और ये चुनाव के नतीजे ऐसे बल, ऐसे नेताओं का बल एक बार नहीं, अनेकों बार बल खत्म करते हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में, क्योंकि हम सब लोग उनको सुनने के लिए आए, मैं बहुत देर नहीं रहना चाहता, लेकिन यहां पर इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं भारत की जनता, राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्पण के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मतदाता ही परमेश्वर होता है, वही फैसला करता है, वही आशीर्वाद देता है, और कोटि कोटि उनको धन्यवाद जिन्होंने बड़ी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आशीर्वाद देकर के ये सफलता दिलाई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ मेरे सामने बैठे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष और आपसे जुड़े हुए और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए
हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चुनाव को मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ लड़ा और यशस्वी हुए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे से अक्सर पत्रकार पूछते थे रणनीति क्या है, रणनीति क्या है। मैं बार बार बोलता था रणनीति पर्दे का विषय होता है और रणनीति समय पर ही खुलती है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इस रणनीति को जो बारीकियां संगठन ने बताई थी उनको बखूबी धरती पर उतारा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात जमीन पर जाकर मेहनत की और जो वातावरण बना उस वातावरण को वोट में बदलने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह जीत सही तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, उन्होंने महीनों अपना घर छोड़ करके पार्टी के लिए बूथ पर जा करके काम करके इस योजना को आगे बढ़ाया, सफल किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं आप क्या, आपके साथ साथ मैं भी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हूं, इसलिए आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हम सब का मार्गदर्शन करें और हमारे को आगे का रास्ता बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी।